अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 19, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रॉब्लम 17। कंटेनर ए है जिसको फिग में दिखाया गया, उसमें आइडियल गैस है, ठीक है। उसका प्रेशर है 5 × 10⁵ पास्कल, टेम्परेचर 300 केल्विन है। एक थिन ट्यूब के जरिए वॉल के साथ कनेक्ट किया है, 4 times वॉल्यूम है ए से, 4 times ज्यादा। कंटेनर बी उसी सेम गैस को होल्ड करता है मगर किस प्रेशर पे, 1 × 10⁵ पे, टेम्परेचर 400 केल्विन है। वो कहता है जब वाल ओपन होता है प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है, टेम्परेचर ऑफ ईच कंटेनर मेंटेन, व्हाट इज द प्रेशर, उस वक्त प्रेशर बताओ जब प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। अब जब वाल क्लोज्ड है शुरू में तो हम नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे कंटेनर ए और कंटेनर बी में, PV = nRT, n बराबर आ जाएगा किसके, PA VA/RTA। इसी तरह बी में देख लेंगे NB PB VB/RB। अब जो बी का वॉल्यूम है ए का 4 times है तो मैंने 4A कर दिया उस जगह को। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब इसमें से VA/R कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास एक टूल बन जाएगा। अब जब मैं वाल को ओपन करूंगा तो इसके नए वाले हिस्से को नए प्राइम के साथ जाहिर कर देते हैं। अब PV = nRT, प्रेशर PA प्राइम कह देंगे, NA प्राइम, R भी वही रहेगा, T भी वही रहेगा, V भी वही रहेगा, क्योंकि उस वक्त A का वॉल्यूम तो नहीं ना बदलने वाला, B के साथ भी वही रहेगा, टेम्परेचर भी वही, वॉल्यूम भी वी। अब वॉल्यूम VB को 4A वॉल्यूम के बराबर हम जानते हैं। अब उसने खुद कहा कि प्रेशर इक्वलाइज जब वाल ओपन हो गया, जब वाल ओपन हो गया तो दोनों प्रेशर आपके इक्वल होने चाहिए, तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। दोनों को इक्वल करके ले लेंगे, आइडेंटिकल फैक्टर कट जाएंगे, एन बी प्राइम निकाल लेंगे, वो इसके बराबर आ जाएगा। अब हम जानते हैं एन टोटल नंबर ऑफ मोल तो वही होने चाहिए जो ए और बी में टोटल मिलके हैं, तो NA प्राइम + NB प्राइम की वैल्यू पता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, उन सारों की दोनों की वैल्यू इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। यहां से हम एन ए निकाल सकते हैं, एन ए प्राइम तो वो वैल्यू जस्ट अलजबरा है, सारे को दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेंगे सारे के। अब ये जो एन ए प्राइम की वैल्यू है ये हम पी ए प्राइम में डाल सकते हैं, क्योंकि इसका प्रेशर निकालो या इसका प्रेशर निकालो, प्रेशर तो सेम है, आइडेंटिकल इक्वलाइज हुआ हुआ है, तो मैं पी ए में डाल लेता हूँ, तो पी ए के अंदर वो वैल्यू प्लेस कर दी, आइडेंटिकल फैक्टर कट जाएंगे, बाकी सब के अंदर सिंपल अलजबरा है, इसके टी ए को अंदर जाके जरब दे देंगे तो इस सब में वैल्यू प्लेस कर देंगे, इन सबको लेके सॉल्व करेंगे तो ये 2 × 10⁵ पास्कल आ जाएगा, फाइनल प्रेशर ये आ जाएगा। तो ये जना हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।